साथ देखिए थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन दिख रहा है। दिया है कि यदि m प्लस एन पी टू बराबर में 90 और दूसरा दिया है आपके पास m माइनस एन पी टू बराबर में 30। तो m और n का मान ज्ञात करना। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, पहला वाला पार्ट लेते हैं m प्लस एन पी टू बराबर में 90। तो इसको फॉर्मूला लगा दीजिए, तो आपको फॉर्मूला तो पता ही है किस तरह से लगाते हैं, एन पी आर बराबर एन का फैक्टोरियल बटा में एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो यहाँ हो जाएगा आपका एम प्लस एन का फैक्टोरियल बटा में एम प्लस एन माइनस टू का फैक्टोरियल, ठीक है, और बराबर में आपका 90। तो ऊपर वाले को तोड़िए ना यहाँ पे, एम प्लस एन है ना, एम प्लस एन माइनस वन और एम प्लस एन माइनस टू, यही पे रुक जाएंगे क्योंकि नीचे सेम आ गया, एम प्लस एन माइनस टू का फैक्टोरियल बराबर में है आपका 90। इससे ये काट देंगे ना, अब देखिए अगले स्टेप में ये जो है आपका हो जाएगा एम प्लस एन इंटू में एम प्लस एन माइनस वन बराबर में 90। ये देखिए ये दो लगातार प्राकृत संख्याओं के गुणनफल के रूप में है, तो ये देखिए ये जो है बड़ा है ये छोटा है ना, इसको भी तोड़ना होगा, तो इसको आप 10 गुना 9 लिख सकते हैं ना। चलिए तो यहां से हो जाएगा m प्लस एन इंटू में m प्लस एन माइनस वन, चलिए यहां से अलग अलग करिए, तो m प्लस एन बराबर में हो जाएगा 10 और यहाँ m प्लस एन माइनस वन बराबर हो जाएगा 9, यानी कि m प्लस एन बराबर यहाँ भी उधर जाकर जुड़ जाएगा यानी 10। तो इसको एक समीकरण मान लीजिए। अब दूसरा वाला वैल्यू लेते हैं, ये वाला m माइनस एन पी टू बराबर 30, ठीक है। नाउ यानी अब m माइनस एन पी टू बराबर में है आपका 30, यहां भी वही फॉर्मूला लगाई है, m माइनस एन का फैक्टोरियल बटा में m माइनस एन माइनस टू का फैक्टोरियल बराबर में 30। चलिए इसको सॉल्व करते, तो ऊपर वाले को तोड़ना होगा ना उसी तरह से, तो यहां तोड़िए तो हो जाएगा आपका m माइनस एन, फिर एक घटाएंगे m माइनस एन माइनस वन, फिर एक और घटाएंगे m माइनस एन माइनस टू का फैक्टोरियल, रोक देंगे क्योंकि नीचे सेम आ गया, m माइनस एन माइनस टू का फैक्टोरियल बराबर में 30। ये दोनों तो कट जाएगा, बचे हुए चीज को यहां लिखते हैं m माइनस एन इंटू में m माइनस एन माइनस वन बराबर में 30। यहां भी ये दो लगातार प्राकृत संख्याओं के गुणनफल है, यहां भी उसी तरह करना होगा, m माइनस एन माइनस वन बराबर 6 गुना 5, इसको भी उसी तरह करना होगा ना, अलग अलग कर दीजिए, m माइनस एन बराबर में 6 और m माइनस एन माइनस वन बराबर 5। यहां से m माइनस एन बराबर वही आ जाएगा 6 आ जाएगा ना, जो यहाँ है यही है, तो इसको समीकरण दो मान लीजिए। अब समीकरण एक और दो से m n नहीं निकल जाएगा, तो लिखेंगे समीकरण एक तथा दो से, समीकरण एक तथा दो से विलोपन विधि से निकाल देंगे, तो m प्लस एन बराबर है 10 और यहाँ m माइनस एन बराबर 6, ये कट जाएगा, 2m बराबर हो जाएगा यहाँ 16, यानी m बराबर आ जाएगा 16 और बटा में 2, काट दीजिए 8, m का वैल्यू क्या आ गया 8 आ गया। अब m का मान समीकरण एक दो में रख देते हैं, m का मान समीकरण एक में रखने पर तो समीकरण एक है आपका m प्लस एन बराबर में 10, तो m का मान यहाँ 8 रखना है, तो यहां से आप उधर ले जाकर घटा दीजिए, तो आ जाएगा यहां से n बराबर 10 माइनस 8 यानी कि 2, तो यहां से आपका निकल गया ना, इसलिए m बराबर हो गया 8 और n बराबर हो गया आपका 2, m और n निकल गया, समझ में आया ये। तो क्वेश्चन नंबर